नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जिसका नाम है झकास फूड। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बस हमारे साथ में बने रहना वीडियो के आखिरी तक। तो आज का जो वीडियो है, आज सिर्फ और सिर्फ हमारे दो प्यारे सब्सक्राइबर को ये वीडियो जो है डेडिकेटेड जाता है। पहले का जो नाम है आशु, एक बार फोन दिखा दे भाई, अपन फोन में चेक कर लेता। तू एक बार नाम बोल, दोनों के नाम बोल दे, क्या क्या नाम है इनके। मैं नाम बोल देना चाहता हूँ, पहला नाम है निशा खंडेलवाल और सेकंड नेम है इज मुनचुन यादव। मुनचुन यादव और निशा खंडेलवाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। निशा खंडेलवाल जी हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर लवली सपोर्ट। और मुनचुन यादव जो है वो हमारे, हम लोग बोल सकते हैं जब हमारे बिल्कुल हमारे कोई सब्सक्राइबर ही नहीं थे तो वो हमारे 9th सब्सक्राइबर थे, 8 हमारे घर के ही थे और 90 वो थे। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। तो आज मैं और आशु आप लोगों की डिमांड पे, सिर्फ आप दोनों की डिमांड पे आज हम लोगों ने खूब माथापोड़ी की इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन खुल चुके, काम पे लोग बाग दोबारा जाने लगे, तो टाइम नहीं था हम दोनों के पास में, बट फिर भी आप दोनों की रिक्वेस्ट पे आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है डिपेंडिंग ऑन पिज़्ज़ा है, आज हम लोग पिज़्ज़ा चैलेंज करने वाले हैं। हम लोग पिज़्ज़ा खा के बताने वाले थे कि फ्लेवर कैसा आने वाला है, जो कोई चैलेंज नहीं कि हम दोनों कोई कंपटीशन नहीं लड़ रहे इसके अंदर में, क्योंकि मैं हार जाता हूँ यार। आशु खा जाता है, फड़ा फड़ा खा जाता है, तो मैं हार जाता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आज जब हम बाहर गए थे तो जयपुर में हम रहते हैं, तो यहाँ पे पार्शली लॉकडाउन जो था वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने रिलीज किया है शाम के 5 बजे तक, चार बजे तक सैटरडे संडे छोड़ के, सैटरडे का ऑन कर दिया और सिर्फ संडे को वीकेंड लॉकडाउन। ओके, वीकेंड लॉकडाउन जयपुर में ओनली संडे को हो चुका है और 4 बजे तक आप रेस्टोरेंट जाके सामान ला सकते हैं, जैसे कि और आप लोग रेस्टोरेंट में जाके खा भी सकते हैं। बिल्कुल, 4 बजे तक रेस्टोरेंट वाले सेटिंग अलाउड कर रहे हैं, लेकिन एज पर कोविड हम लोग थोड़ा सा कतराए थे तो हम लोगों ने टेक अवे लेना ही उचित समझा, नहीं तो हम लोग आज आपको बाहर का वीडियो इंट्रोड्यूस करवाते। और मैं एक बार शंकर बना का नाम लेना चाहूँगा, शंकर सिंह तवर है हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है गाइस। एक लास्ट वीडियो में हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने माजा पी, मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि मैंने माजा पी के फिर करेले का जूस पिया था, तो शंकर जी ने मुझे स्पेशली कमेंट किया कि सर वो माजा नहीं था, वो स्लाइस पी के था। तो शंकर जी थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा इतना ध्यान दिया, एक एक वीडियो पे आप हमें इतना प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच शंकर जी। इससे मालूम होता है कि अपने सरकार अपन को देख रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं गाइस, बहुत लोग आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज का वीडियो बढ़ाते हैं तो अब हमको चलना है पिज्जा की तरफ, तो चल पहले पिज्जा लेके आते हैं, पिज्जा लेके आते हैं। चलो दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ पिज्जा लेने के बाद में। गाइस मैंने लिया है ये कॉम्बो पिज़्ज़ा डेज का कॉम्बो, अब मैं खाऊंगा बताऊंगा कैसा है। थक गया मैं, बहुत थक गया, बहुत थक गया यार। गाइस बहुत गर्मी है आज, आप लोगों के लिए आज परेशान होना पड़ा। तो ये हमने लिया है डिलीशियस पिज़्ज़ा, ला 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 डिलीशियस पिज़्ज़ा लिखे हुए है, हॉट एंड पिज़्ज़ा है। एक्चुअली ये जो पिज़्ज़ा हमने लाए हैं, ये लाए हैं पिज़्ज़ा डे शॉप से, और पिज़्ज़ा डे शॉप हमारे नियर बाई थी तो हम वहाँ से परचेज किए। एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कहाँ का ये एड्रेस है। तो अभी हम पहले सारे पिज़्ज़ा खोल लेते हैं, फ्लेवर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भाई साहब खोलते ही मुँह में पानी आ रहा है। ये है कॉर्न एंड अनियन पिज़्ज़ा, लुक एट द पिज़्ज़ा, ब्यूटीफुल पिज़्ज़ा, 7 inches पिज़्ज़ा है। हम लोग स्मॉल साइज हम लोगों ने लिया था पिज़्ज़ा यार। पनीर टिक्का पिज़्ज़ा देखो यार, क्या इसकी मतलब सॉलिड यार, बंदे ने बहुत सॉलिड बनाया। और ये लास्ट में है, ओ माय गॉड, जैलीपिनो एंड ब्लैक ऑलिव एंड शिमला मिर्च है इसमें, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल अनियन भी है, ब्यूटीफुल। अब हम ये तीन फ्लेवर हम लाए हैं, तो तीन फ्लेवर हम खाएंगे, एक एक पीस सब में से लेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे, मैं प्लेट लेके ये कैसा है, प्लेट रिंकू लेने गया है और हम ये खा के बताएंगे। साथ में जो हमको दिया गया है ओरिगेनो दिया गया है, हॉट चिली फ्लैक्स और केचप, ये चीज़ इनके लिए सब सब जानते हैं, ये चीज़ देते ही। प्लेट्स आ गई,
तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और खा के बताने वाले कि कैसा इसका टेस्ट है। मैं ये जलेबी वाला पिज़्ज़ा खाने वाला तो, और मैं उठाया हूँ पनीर स्लाइस, बहुत ही चिपकी हुई है। उसमें बेहतरीन है स्वाद के लिए, आप ये डाल सकते हैं और ये ना मैं सब में डाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं तू जो खा रहे हो। और केचप मैं डालता नहीं और चिली फ्लेक्स नहीं डालता। एक्चुअली पनीर के स्लाइसेस भी इसमें, ये देखो ठीक है। अच्छा यार जो मेन स्वाद आ रहा है ना इसमें वो आ रहा है हॉटनेस का, जो हॉट है वो स्वाद आ रहा है। और मसाला सारा सही है। अब हम लोग सेकंड बाइट ले रहे हैं, सेकंड पिज़्ज़ा का फर्स्ट बाइट मेरा। तो कौन सा ले रहा है? मैं ले रहा हूँ स्वीट कॉर्न कौन वाला, सेम ही है। ये अच्छा है। ये मुझे बेस्ट लगा, ये पनीर से बेस्ट लगा। मैंने ऑलिव वाला ट्राई किया था। ओके तो अब अपन लेते हैं तीसरी स्लाइस। तेरी किसकी? मेरी है ब्लैक, ये ऑलिव वाली। ऑलिव मेरा पनीर वाला है जो तेरा फर्स्ट था। और कॉर्न भी है भाई साहब मेरे में। ऐसे नहीं है अपन सब कुछ लेके चलते हैं भाई, तू तो सब ऐसे लेके चलता है। इसकी वो सब अगर देख रही हो ये तीसरा पीस और मैं इसको खाने वाला हूँ। मैंने ओरिगेनो डाल दिया, इसको थोड़ा स्पाइसी बना दिया ना, इसको थोड़ा स्पाइसी। शानदार है, केचप डाल देता हूँ। हाँ धमाकेदार है ये लो साहब, इसको थोड़ा हमने बना दिया मैंने। एक्चुअली थोड़ा नहीं, इसको तो मेरे को ज़्यादा ही लगता है स्पाइसी बना दिया। फुल जोरदार, ये हो गया गजब। क्या हो गया? गजब। और ये गया गजब पिज़्ज़ा अंदर पनीर वाला। नाइस। मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा तो देख सभी सही थे, पिज़्ज़ा सारे सही। अपने अपने हिसाब से अच्छा हो सकता है, जैसे मेरे लिए सबसे अच्छा कॉर्न वाला था, फिर सेकंड पनीर वाला है, थर्ड ये ऑलिव वाला है। मेरे हिसाब से पनीर कॉर्न और ऑलिव, तो सभी पिज़्ज़ा अच्छे हैं जो आप घर पे ला सकते हैं, खा सकते हैं बर्थडे पार्टी में किसी भी चीज़ में। ये चीज़ तो आप मंगा सकते हो, एग फ्री होता है ये चीज़ें। और नॉनवेज आप चाहते हैं नॉनवेज खाना तो नॉनवेज भी खा सकते हैं, वहाँ पे मिलता है आपको। और निशा जी आपके लिए था ये वीडियो, और मुनचुन यादव या आप दोनों ने बोला था, कमेंट किया था, तो जाके हम ये वीडियो बना पाए। अभी घर पे नहीं बना सकते थे, इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है घर पे बनाने के लिए पिज़्ज़ा। क्यों इनको हो जाएगा, बट क्या है हमारे पास भी उतना टाइम नहीं हो पा रहा और बहुत टाइम लगता है, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें। पिज़्ज़ा घर पे बनाना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा जॉब नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आई प्रॉमिस बोथ ऑफ यू कि मैं आप लोगों को एक ना एक बार हमारी वीडियो में पिज़्ज़ा घर पे बनाना ज़रूर बताऊँगा। बिल्कुल, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमने पिज़्ज़ा खा लिया है, और भी हम ये सारा जो पिज़्ज़ा है ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हम सारा खा लेंगे, एक भी नहीं छोड़ते हम, कभी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं हम दोनों, ये सारा खा जाते हैं। हमारे कैमरामैन को कुछ भी नहीं देते हम, तो ये सारा खा के हम हमारा पेट फुल कर लेते हैं। तो इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे, और आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिएगा,
कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा ये बता दीजिएगा आप, कि कौन सा पार्ट आपको इनमें से बेस्ट लगा, या आपको कौन सा पिज़्ज़ा बेस्ट लगता है इसमें से या इसके अलावा भी जिसमें से भी, तो ऐसे कमेंट करके बताते रहिएगा कोई किस किस चीज़ पे वीडियो बनाना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा, और हम आपको बता दें 18% हमारी हो गई है सब्सक्राइबर्स वाली, तो उसको और बढ़ानी है 25-30% तक तो लेके जानी है। क्यों क्या जी? जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे व्यूज़ जो आते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर कितने व्यू आ रहे हैं, अदर कितने आ रहे हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो भाई 35% अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे जिस भाई ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, कौन सा किसी का पैसा लगता है, घंटा बजा दो लाल बटन बटन हो गया, खेल करता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहो फ्री में जब तक हमें और यूट्यूब है। बिल्कुल, तो हम जब तक इस पिज्जा का मजा लेते हैं जब तक डू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज झकास फूड। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक लिए बाय बाय।